तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में कल के वीडियो की कमेंट की बात कर लेते हैं। जितने भी अभ्यर्थियों के डाउट आए थे उनके सारे के डाउट इस वीडियो के रिप्लाई के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। अगर इसके अतिरिक्त आपके मन में भी डाउट रहता है तो आप भी इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपका वीडियो के माध्यम से भी डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश की जा सके। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे जो 17 अगस्त को दोस्तों जितने भी आपके कमेंट आए थे हमारे वीडियो पर, उनके दोस्तों जो अधिकांश डाउट क्या बने हुए थे उन पर हम बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, BSTC की सेकंड काउंसलिंग और साथ में जैसे ही थर्ड काउंसलिंग कुछ भी अपडेट आती है आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में बने इस घंटे के चिन्ह पर भी क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल के माध्यम से आपको मिल सके। तो चैनल को जो सब्सक्राइब करो, बेल बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन करो। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ पर आप जरा सा भी क्रिकेट और फुटबॉल का नॉलेज रखते हैं तो आप यहाँ पर इस वेबसाइट के माध्यम से लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना होगा। यहाँ पर आपको जैसे ही आप साइन इन करोगे यहाँ पर आपको 25 रुपये का डायरेक्ट बोनस मिलने वाला है। यहाँ पर दोस्तों नीचे जब डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाकर आप क्लिक कर दीजिएगा, आपके सामने इस प्रकार का वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप अपना यूजर नेम, यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने OTP आ जाएगा और उस OTP को डाल के आप यहाँ पर रजिस्टर कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सी लीग है जहाँ पर आपको 100% बोनस मिलने वाला है। जैसे इस प्रकार की लीग है तो यहाँ पर आप किसी भी प्रकार से ज्वाइन होते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 10 रुपये की लीग है तो यहाँ पर आपको 2000 रुपये का अमाउंट मिलने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी लीग लगी है। और साथ में यहाँ पर आपको अगर रेफरल करते हो अपने फ्रेंड को तो यहाँ पर योर गेट 50 रुपीज़ एंड योर फ्रेंड 50 रुपीज़। आप यहाँ पर दोस्तों फ्रेंड को रेफरल करके भी 50 रुपये अर्न करके यहाँ से दोस्तों लीग के अंदर ज्वाइन कर सकते हो और आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ से अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों, आप यहां से फ्रेंड को यहां पर रेफर करके अच्छा खासा अर्न करके यहां पर लीग के अंदर ज्वाइन करके आप अच्छी सी अमाउंट कमा सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां पर आप क्लिक करके जरूर इस वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन मैं सभी के डाउट यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपके मन में डाउट है कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट कीजिएगा। और कल के मॉर्निंग का 9 बजे का वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, वहाँ पर आपके जितने भी कमेंट आएंगे उनका रिप्लाई आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो कमेंट आया है सूरभ लाल शर्मा जी, कमेंट है लिखा है कि सेकंड काउंसलिंग के लिए दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा क्या? यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग के दोस्तों अभी तक तो कुछ अपडेट नहीं आई है दोबारा फॉर्म भरने की। अगर अपडेट आते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। लेकिन जो BSTC के अंदर दोस्तों सिस्टम रहता है सेकंड काउंसलिंग, दोस्तों जो आपने 5 जिले चूज किए हैं उनमें से आपको चूज करना पड़ता है और जो थर्ड काउंसलिंग होगी वो ऑल ओवर राजस्थान पर निकाली जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं उन 5 जिलों में से अगर आपको कोई अपडेट का मौका मिलता है तो आप अधिकांश कॉलेज अपडेट कर दीजिएगा, और नहीं तो फिर आपके जो 5 जिले चूज किए हैं उनमें से आपको कॉलेज देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट कमेंट आया है कि SC 356 सेकेंड काउंसलिंग ऑल राजस्थान। तो SC 356 तक का आपका आराम से आ जाएगा, 355 तक का SC कैंडिडेट का आराम से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आया है पुष्कर जी का, लिखा है कि सर मेरे 2 मंथ पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरे पैर फ्रैक्चर हो गया है, अब सर मुझे अपनी कैटेगरी विकलांग कैसे करूँ? तो यहाँ पर विकलांग अभी तक कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया। अगर ऐसा कुछ मेंशन अब फिर कुछ आपके करेक्शन करने का फॉर्म में अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा पैनल एक्टिवेट नहीं हुआ है। नेक्स्ट आया है कुशदीप सिंह जी का, लिखा है यदि सर ऑल राजस्थान किया हो तो फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज दूर मिला हो तो अपन मूवमेंट में किसी दूर की कॉलेज मिलेगा या चूज कॉलेज मिलेगा? अपन मूवमेंट जो आपके ऊपर वाले कॉलेज है जो आपने चूज किया, जो अभी आपको कॉलेज मिली उससे ऊपर की जितनी भी कॉलेज भरी उनमें से आपको कॉलेज मिलने के चांस बन जाते हैं अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स हो तो। आकाश जी कमेंट है SC मेल 350 मार्क्स है। तो SC का दोस्तों लगभग 355 मार्क्स वालों से ऊपर वाला सबका हो जाएगा। अगर आपको 350 है तो फिर भी आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। गजेंद्र सिंह जी कमेंट है सर आप बोल रहे हो कि वैकेंसी 23,070 है बट मेरे राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ने ट्वीट कर बताया कि 24,000+ सीट फर्स्ट लिस्ट में है अलॉट हो चुकी है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं लगभग 22,000-21,000 सीटें थी, उसके बाद में आपके 1600 सीटें बढ़ी, उसके बाद 400 सीटें बढ़ी। तो उसी अंदाज से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 23,870 सीटें, अगर 24,000 सीटें हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको काउंसलिंग में बहुत अधिक मौका मिल जाएगा। जसविंदर सिंह जी ने कहा है कि सर मेरे OBC में 360 मार्क्स है। तो OBC की कटअप लगभग 375 के लगभग आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपके मन में डाउट्स रहता है तो फिर भी आप यहाँ पर काउंसलिंग के फॉर्म फिल कर सकते हो। OBC 375 राहुल जी आराम से यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आया है नमा की जगह, लिखा है सर मेरे OBC में 371-220 हाँ लगभग 300 यहाँ पर 75 का हो जाएगा। आप 371 तो एक बार जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा, चांस बन जाएंगे। रमन जी का कमेंट आया है कॉलेज में क्लासेज कब से स्टार्ट होगी? तो रमन जी यहाँ पर अभी तक अगस्त के लास्ट वीक तक तो काउंसलिंग का कार्यक्रम चलने वाला है। तो
आपको सितंबर के फर्स्ट वीक तक आराम से आपके कॉलेज स्टार्ट देखने को मिल जाएगी। संजय कुमार जी का कमेंट आया कि सर मेरे 550 रुपये लिए न्यू इंडिया टीचर कॉलेज झुंझुनू में, यहाँ पर तो एक्स्ट्रा रुपये यहाँ पर किसी भी प्रकार नहीं लिए जाते हैं। आपने ऑफिशियली मैंने आपको नोटिस दिखाया था, अगर आपने वो कॉलेज में दिखाया होता तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर चार्ज किसी प्रकार का नहीं देखने को मिलता। अगर कुछ ऐसा शुल्क है तो आप जरूर एक बार बोर्ड से संपर्क कर सकते हो। मदन जी का कमेंट आया है कि सर एससी मेल 317 है, हो जाएगा क्या? तो मदन जी मैं आपको बता जाऊंगा, एससी की जो दोस्तों कटअप इस बार जो रहने वाली है वो 355 के आसपास रहने वाली है। आपको अगर लग रहा है आपके नज़दीकी एरिया में आपको कॉलेज में हो जाएगा कटअप कम गई है तो आप वहाँ पर जरूर अप्लाई कर सकते हो। रितु जी कमेंट आया है डायरेक्ट एडमिशन कोई करवा सकता है क्या, अगर हो तो डॉक्यूमेंट क्या लगेगा? डायरेक्ट एडमिशन BSTC में किसी प्रकार नहीं होता है, अगर ऐसा होता तो यहाँ पर अभ्यर्थी इतने नहीं चूसते। नेक्स्ट कमेंट आया है रफीक जी का, लेकर सर 12th कॉमर्स से किया हूँ, BSTC में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो वो दोस्तों आपको BSTC 12th में यहाँ पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम शायद तक नहीं देखने मिलेगी क्योंकि BSTC 12th पास यहाँ चलती है। देख लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज क्या रहता है। नेक्स्ट आया है मुकेश जी का, लिखा है सर PTT की थर्ड काउंसलिंग के लिए कॉलेज फील कब होगी? तो इसके लिए दोस्तों अभी पहले तो सेकंड काउंसलिंग होगी, अगर इसमें सीटें खाली रहती है तो आपके थर्ड काउंसलिंग देखने को मिल जाएगी। सेकंड काउंसलिंग जो आपकी अपडेट है वो आपको 25 अगस्त तक देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट आया ऋषि कमेंट है, लिखा सर कॉलेज चॉइस करना पड़ेगा क्या, डेट क्या है सेकंड लिस्ट कॉलेज का? यहाँ पर अपडेट मैंने आपको ऊपर दे दिया, आपने अगर वीडियो कम्प्लीट सुना है तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। गजन जी कमेंट आया सर इस अनुसार तो सेकंड लिस्ट भी नहीं आएगी, सेकंड लिस्ट आएगी गजेंद्र जी इस बार आपकी। मुमता जी का लिखा है कि सर मेरे होम डिस्ट्रिक्ट 9 कॉलेज फिल किए हैं, अच्छा बहुत अच्छी बात है, तो आपका यहाँ पर मार्क्स होते मैं आपका डाउट क्लियर कर देता। विनोद जी का कमेंट आया सर सेकंड काउंसलिंग शुरू हो गई क्या, प्लीज़ रिप्लाई। नहीं, सेकंड काउंसलिंग अभी तक यहाँ पर नहीं अपडेट हुई है। सर TSP की संस्कृत की फर्स्ट लिस्ट में कोई है? अच्छा 295 SC मेल, थोड़ा सा चांस इस बार कम बनता है दीपू जी आपका। अनिल जी का मेरा सर 325 SC लगभग 340 कटअप जाने वाली है। उत्तम जी 370 है, जनरल से हूँ तो यहाँ पर जनरल कटअप लगभग 385 जानने वाली है, लेकिन आप अच्छे खासे नंबर तो एक बार आप जरूर यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग चॉइस कीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट आया है दौलत राम जी का, लिखा सर मेरे MBC 392 है, 2 कॉलेज भरी थी, दोनों में नंबर नहीं आया, जबकि ऑल रास्ता टिक कर दिया, तो मेरे को दूसरी जगह कॉलेज मिली क्या? अपन मूवमेंट में से ज़्यादा कॉलेज भर सकता हूँ? अपन मूवमेंट में कॉलेज ऐसे कुछ नहीं भर सकते, आपको 2 कॉलेज भरी है तो आप वहाँ पर वो दोनों ही टिक कर सकते हो, तो आपको अपन मूवमेंट में उन दोनों में से हो सके तो रिक्स सीटें होगी तो आपको वहाँ पर कॉलेज मिल जाएगी, नहीं तो फिर नहीं। तो आपको यहाँ पर दौलत राम जी अधिकांश कॉलेज बननी चाहिए थी ताकि आपको आराम से नज़दीक कॉलेज मिल जाती। नेक्स्ट कमेंट आया है कि SC में 348 हो जाएगा क्या? SC में लगभग 355 वालों को मैं बता रहा हूँ आराम से हो जाएगा, लेकिन आपके भी नंबर आसपास ही है तो एक बार आप जरूर फील कीजिएगा। मनीष जी कमेंट है सर मेरे 414 नंबर है, मुझे जोधपुर की 6 कॉलेज भरीने के बाद भी 7 नंबर की कॉलेज पाली में मिली, क्या अपन मूवमेंट से जोधपुर मिल जाएगी? 100% आपको देखने मिल जाएगी इस बार। नेक्स्ट कमेंट आया है गजेंद्र सिंह जी का, कहा कि सर कोई थर्ड लिस्ट जारी नहीं होगी, थर्ड लिस्ट अगर आपके सेकंड लिस्ट में सीटें खाली रहती है तो जारी होगी, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट कमेंट है लकी जी का, क्या EWS वालों को स्कॉलरशिप मिलेगी क्या? EWS वालों को यहाँ पर स्कॉलरशिप है, जो माइनॉरिटी वालों को स्कॉलरशिप दी जाती है। सो EWS लगानी है सेकंड काउंसलिंग में तो कैटेगरी अगर ऑप्शन आएगा तो आप जरूर यहाँ पर फील कर सकते हो। आपका मैंने रिप्लाई के माध्यम से डाउट क्लियर कर दिया है। यहाँ पर ऑल राजस्थान भी किया है, अच्छा ऑल राजस्थान किया है तो आप बहुत ही अच्छी बात है। पूनम जी का मैंने रिप्लाई दे दिया था। यशपाल सिंह जी, दोस्तों जैसे आपके वीडियो अपलोड होने के बाद अगर 10 मिनट के अंदर कमेंट आते हैं तो उनका तुरंत यहाँ पर रिप्लाई दे दिया जाता है, अगर बाद में कमेंट आता है तो ऐसे दिन भर यहाँ पर कमेंट आते हैं तो इनको मैं नेक्स्ट डे यहाँ पर आपको कमेंट के माध्यम से डाउट क्लियर करने की कोशिश कर देता हूँ। अगर विद इन 10 मिनट के अंदर आपका डाउट आता है तो आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाती है। जवाब नहीं ऐसा तो जवाब आपका नहीं आएगा क्योंकि आपने बहुत ही लेट कमेंट किया है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, और जवाब अब आपका यहाँ पर आ जाएगा जैसा आपका यहाँ पर कमेंट देखने को मिल जाएगा। और PKPG ने मेरे फर्स्ट लाइव फर्स्ट हुआ था, इनके लिए वहाँ पर लाइक बनता था, आप देख सकते हो लाइव प्रूफ, यहाँ पर इनके लिए लाइक पहले से ही बना हुआ है।
क्या BSTC सेकंड काउंसलिंग EWS का ऑप्शन आएगा? नरेंद्र जी कमेंट है तो EWS अगर यहाँ पर ऑप्शन कैटेगरी चेंज करने का आता है तो आप जरूर वहाँ पर चेंज कर सकते हो। SKMG का कमेंट आया है सर, जनरल 388, OBC 372, 358, 355, तो ऐसा तो जो गजेंद्र कुछ नहीं। SKMG मैं आपको बता दूँ, जो कटअप है वो जनरल की 385 रहने वाली है, OBC 375 है, SC 355 है, ST की 340 है, MBC की 355 है और TSP की 300 लगभग रहने वाले है। EWS की भी 300 लगभग आपको इस बार सेकंड काउंसलिंग में देखने को मिलने वाली है। लगभग एक दो नंबर यहाँ पर मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं यहाँ पर सेकंड। और लास्ट कमेंट है आशीष जी का, लिखा है सर TSP फीमेल की क्या गटअप रहेगी? तो 310 फीमेल TSP है, तो आपका यहाँ पर फीमेल TSP की लगभग 280 आराम से 310 में देखने को मिल जाएगा आशीष जी। तो दोस्तों यहाँ पर आज सारे कमेंट जितने मिले थे सबका डाउट क्लियर करने पूरी कोशिश की गई है। अगर आपके मन में भी डाउट है कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट कीजिएगा, जो भी डाउट होगा विद इन 10 मिनट के अंदर जो भी कमेंट आएंगे उनका यहाँ पर रिप्लाई माध्यम डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी वालों का कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।